ये रॉकेट साइंस नहीं होता जानना कि आप आपके डाइट में क्या खाते हैं, और क्योंकि आपके ईटिंग हैबिट सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपको यंग दिखाने के लिए। आप जितना कॉशियस हो जाओगे कि आप क्या खा रहे हो तो उतने ही आपको रिजल्ट नजर आएंगे, और जब आप एज करने लगोगे तभी आपके स्किन पर एजिंग मार्क्स नहीं दिखेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है बैलेंस रखना कि आप क्या खा रहे हो, जंक फूड या न्यूट्रिशनल फूड। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आस्काई गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पोमोग्रेनेट्स पैक्ड होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी से, जो हेल्प करता है बूस्ट करने में कोलेजन, जो कि आपके स्किन को रेडिएंट और फ्रेश लुक देता है। ब्लूबेरीज, ये यमी और हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू के साथ लो इन कैलोरीज होते हैं और डीएनए डैमेज भी रिड्यूस करते हैं, जो हेल्प और प्रोटेक्ट करता है आपको एजिंग और कैंसर से। पाइनएप्पल मिनरल मैंगनीज से लोडेड होता है, जो एक चेन ऑफ रिएक्शन स्टार्ट करता है आपकी बॉडी में और कोलेजन प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। वाटरमेलन में लाइकोपीन होता है, जो हेल्प करता है आपके बॉडी सेल्स का मॉइस्चराइजर लेवल रेगुलेट करने में और कुछ फॉर्म्स ऑफ कैंसर भी प्रिवेंट करता है। एवोकाडोस इनक्रेडिबली न्यूट्रिशियस होते हैं, उनमें पोटेशियम होता है और वो हार्ट हेल्दी मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और फाइबर से लोडेड होता है, जो अच्छा फेस मास्क भी बन सकता है। स्पिनेच एक्सट्रीमली न्यूट्रिएंट रिच वेजिटेबल है, क्योंकि इसमें हाई अमाउंट्स ऑफ कैरोटीनॉइड्स, विटामिन सी, विटामिन के, फॉलिक एसिड, आयरन और कैल्शियम होता है, जो आपको लंबे समय तक यंग स्किन में हेल्प करता है। ग्रीन टी सबसे हेल्दीएस्ट बेवरेज ऑन द प्लेनेट माना जाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स और न्यूट्रिएंट्स से लोडेड होता है, जिसका पावरफुल इफेक्ट होता है आपके बॉडी पर, जैसे कि इम्प्रूव्ड ब्रेन फंक्शन, फैट लॉस, कैंसर रिस्क कम होता है और बहुत सारे इम्प्रेसिव बेनिफिट्स जो आपको नहीं मालूम। तो दोस्तों, थे ना ये ऐसे ही कुछ सुपर फूड्स जो आपको हेल्प करेंगे एकदम फाइनली एज करने के लिए। और इससे जुड़ी आपके पास और भी कुछ जानकारी है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। तो अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।